Hey, what's up guys? ये दर्शन जैन, दिस इज एजुकेट अपर सीए फाउंडेशन अकाउंट्स एंड वेलकम टू सुपर सेवन सीरीज। हम आपके साथ साथ है दोस्तों। यस, तो आज देखेंगे वैल्यूएशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस इन कंसाइनमेंट अकाउंट्स। दोस्तों, एबनॉर्मल लॉस ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इन कंसाइनमेंट। ला आते हैं, चलते हैं, देखते हैं इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के बारे में। दोस्तों, इन द नेक्स्ट 3 मिनट्स इंटायर कॉन्सेप्ट हम लोग कवर करेंगे ऑफ एबनॉर्मल लॉस। तो दोस्तों, एबनॉर्मल लॉस होता क्या है? इट इज अ लॉस विच कुड हैव बीन अवॉइडेड, फॉर एग्जाम्पल फायर है, ठीक है, देन गुड्स लॉस बाय थेफ्ट। ये सारी जो है ये एबनॉर्मल लॉस है जो हम अवॉइड कर सकते हैं। सेकेंड, दिस लॉस इज एक्सीडेंटल और मे अराइज ड्यू टू केयरलेसनेस, ठीक है, ये कोई इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक से नहीं होता है, ये होता है एक्सीडेंटली और इसको हम लोग बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं। एग्जाम्पल अगर हम लोग देखेंगे, थेफ्ट ऑफ गुड्स, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड गुड्स डैमेज ड्यू टू बैड पैकिंग, ठीक है। नाउ क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए? नेट एबनॉर्मल लॉस जो भी होगा इट विल बी रिटर्न ऑफ टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दैट मींस, मान लो दोस्तों, 100 रुपए के हमारे गुड्स एबनॉर्मल लॉस होते हैं, इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है 60 रुपीज का, तो गाइज पीएल के डेबिट में 40 रुपीज आ जाएगा। इट विल नॉट बी डेबिटेड टू कंसाइनमेंट, इट विल बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सच लॉस नीदर अफेक्ट्स द वैल्यू ऑफ गुड्स नॉर द प्रॉफिट्स ऑन कंसाइनमेंट। ये आपके वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक को अफेक्ट नहीं करेगा। क्यों अफेक्ट नहीं करेगा? क्योंकि जितने के गुड्स आते हैं कंसाइनमेंट में वो डेबिट हो जाते हैं और जितने चले गए हैं वो क्रेडिट भी हो जाते हैं। दैट मीन्स अगर 100 रुपए के गुड्स दे आर गेटिंग डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो 100 इज डेबिटेड व्हेन द गुड्स आर सेंट टू दी कंसाइनी, एंड गाइस वही 100 रुपया क्रेडिट हो जाता है कंसाइनमेंट में जब ये डिस्ट्रॉय होते हैं। तो डेबिट और क्रेडिट मैच हो गया, मतलब इट्स नॉट गोइंग टू अफेक्ट योर स्टॉक वैल्यूएशन, ठीक है। नाउ एबनॉर्मल लॉस कैन ऑकर व्हेन गुड्स आर इन ट्रांजिट और एट कंसाइन स्पेस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, एबनॉर्मल लॉस कहाँ हो सकता है? एबनॉर्मल लॉस कैन हैपन इन ट्रांजिट, रास्ते में भी हो सकता है और कंसाइनी के पास भी हो सकता है। सर, व्हाट इज द डिफरेंस? यस, देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ डिफरेंस। दोनों का भी वैल्यूएशन अलग अलग होगा। दोनों भी कॉन्सेप्ट कवर करेंगे दोस्तों इन द नेक्स्ट 2 मिनट्स, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट। इसका मतलब क्या हो गया? रास्ते में गुड्स कंसाइनर के पास से तो निकल चुके हैं, कंसाइनी के पास अभी तक पहुंचे नहीं और रास्ते में हो गया दोस्तों एबनॉर्मल लॉस, कैसे ट्रीट करेंगे उसको? तो सबसे पहले दोस्तों, कॉस्ट ऑफ गुड्स लॉस ड्यू टू एबनॉर्मल लॉस, उसका बेसिक कॉस्ट ले लेंगे हम लोग, ठीक है। उसमें फिर कंसाइनर के सारे खर्चे आ जाएंगे, बिकॉज एवरी एवरी एक्सपेंडिचर ऑफ कंसाइनर इज अ नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर जो कि स्टॉक की वैल्यू में एड हो जाएगा। एंड गाइज इट विल बी टोटल कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट ए प्लस बी। सर, व्हाट अबाउट कंसाइनी के एक्सपेंसेस? कंसाइनी के एक्सपेंसेस एट्रीब्यूट ही नहीं होंगे, बिकॉज गुड्स आर स्टिल इन ट्रांजिट, कंसाइनी के पास पहुंचे ही नहीं, तो उनके सवाल उनका खर्चा करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब यही एबनॉर्मल लॉस कंसाइनी के प्लेस पर होगा तो क्या सीन बनेगा, ठीक है। सो एबनॉर्मल लॉस एट कंसाइनीज प्लेस, अगेन कॉस्ट ले लेंगे दोस्तों, कॉस्ट ऑफ गुड्स बेसिक कॉस्ट एड कंसाइनर के प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस। कौन से एक्सपेंसेस? सारे नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। एंड इसमें अब कंसाइनी के नॉन प्रोपोर्शनेट रिकरिंग एक्सपेंसेस भी इंकर हो जाएंगे, ठीक है। एंड गाइस द वैल्यूएशन विल बी टोटल कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस एट कंसाइनिस प्लेस ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। इन शॉर्ट गाइस, रास्ते में अगर होता है तो कंसाइनी के एक्सपेंडिचर ऐड नहीं होंगे, अगर कंसाइनी के प्लेस पर होता है तो बिल्कुल बिल्कुल गाइस कंसाइनी के सारे एक्सपेंडिचर ऐड होंगे जो कि नॉन रिकरिंग है, ठीक है। यस, रिलेटिंग टू दैट पर्टिकुलर गुड्स। अब बात करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की, जर्नल एंट्री की। तो दोस्तों, पहली एंट्री हो जाएगी एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। बहुत से स्टूडेंट्स डाउट पूछते हैं, सर इंश्योरेंस क्लेम जो मिलेगा वो क्या करेंगे? इट इज टू बी इग्नोर्ड गाइस। कई जगह स्टडी मटेरियल आरटीपी एमटीपी में किया है इंस्टीट्यूट ने कि दे हैव टेकन इंश्योरेंस क्लेम ऑल्सो ऑन कंसाइनमेंट के क्रेडिट। इट इज टू बी अवॉइडेड गाइज एज पर माई नॉलेज एंड माई इंफॉर्मेशन, ठीक है। सो गाइज, स्ट्रेट अवे आपको एक जर्नल एंट्री पास करनी है एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। दैट मीन्स कंसाइनमेंट के क्रेडिट में जितना भी आपका एबनॉर्मल लॉस होता है वो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। एंड गाइस, नेट एंट्री उसकी क्या होती है? इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस। दैट मींस नेट जो आपका लॉस होगा इट विल गेट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। नाउ सो वेयर टू डिस्क्लोज इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड इन कंसाइनमेंट अकाउंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। मान लो 100 रुपए के गुड्स एबनॉर्मल लॉस होते हैं, इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है 70 रुपीज, क्या सीन बनेगा दोस्तों?
₹100 कंसाइनमेंट के क्रेडिट में जाएंगे, ₹70 जो इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है उसको पूरी तरह से इग्नोर करना है, वो कंसाइनमेंट अकाउंट में कहीं नहीं आएगा, इट विल अपियर इन एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। वो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में जरूर आएगा बट इट इज टू बी इग्नोर्ड इन कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट में वो कहीं पर भी डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो यस, बहुत से स्टूडेंट्स को ये डाउट है कि सर इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा तो क्या करेंगे, तो भाई क्या करना है क्लियरली दिया है, उसको इग्नोर करना पड़ेगा। वो कंसाइनमेंट अकाउंट में कहीं पर भी नहीं दिखेगा। फुल वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस विल बी क्रेडिटेड इन कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। दैट्स इट गाइस, ये था हमारा सुपर सेवन सीरीज में एक सेशन जो कि हम लोगों ने लिया है ऑन ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस इन कंसाइनमेंट अकाउंट्स। और ऐसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स आने वाले इस सीरीज में दोस्तों, स्टे ट्यून्ड ऑन दिस वेरी पर्टिकुलर चैनल। एंड गाइस, 18th जून संडे 8 AM गेट रेडी फॉर बिगेस्ट मैराथन ऑन सीए फाउंडेशन अकाउंट्स एवर। 15 आवर्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सब्जेक्ट ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। लाइव पूरा सब्जेक्ट कवर करने की कोशिश करेंगे। इट्स गोइंग टू बी वन ऑफ इट्स काइंड मैराथन इन इंडिया। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।